हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये है, देख रहे हैं आप ट्रॉपिकल हिबिस्कस। ट्रॉपिकल हिबिस्कस मेनली विंटर में बहुत अच्छे से खिलता है, क्योंकि अब विंटर शुरू हो चुका है तो इसका ग्रोथ और इसके कलर और इस फूल का साइज सब कुछ बहुत अच्छे दिखा रहे हैं। कितने सारे कलियां आ चुके हैं, बहुत सारे कलियां आ चुके हैं, सब फूल और सब पौधे। ये भी है वैलेंटाइन डे, वो भी एक पौधा है, आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। तो ट्रॉपिकल हिबिस्कस की केयर कैसे करें कि ये अच्छे ग्रोथ करे, फूल भी अच्छे दे? तो केयर में बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, दोनों केयरिंग टिप्स में बताऊंगा दोनों तरीके से, मतलब केमिकल भी आप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। मैं तो पहले हम बात करेंगे इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। तो मिट्टी के लिए हम नॉर्मल मीडिया यूज़ करेंगे, मतलब सिंडर पे नहीं, और भी बहुत सारे मीडिया रहता है उन सब में नहीं जाएंगे, सिंपल मीडिया बनाएंगे। सिंपल मिट्टी लेंगे आपके हाथ के सामने, जो भी मिट्टी हो, अगर जो भी मिट्टी हो गार्डन सॉइल, वो गार्डन सॉइल ले लीजिए एंड उससे आप सैंड मिलाइए। बजरी मिला भी सकते हैं, जो कंस्ट्रक्टिंग सैंड है वो भी मिला सकते हैं आप, और नॉर्मली जो व्हाइट सैंड होता है वो भी आप मिला सकते हैं। उसके साथ थोड़ा नीम की खली डालिए, थोड़ा बोन मील डालिए और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालिए। सब थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिट्टी को एयरी करिए। ऐसा नहीं हो जाए कि मिट्टी सौगी हो जाए पानी देने के बाद, एयरी मिट्टी बनाना होगा। इसीलिए आप परलाइट भी डाल सकते हैं और हमें बोला कि रेत जो व्हाइट सैंड होता है वो भी डाल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सैंड भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मिट्टी के बारे में तो थोड़ा थोड़ा बता दिया, पर मैं केयर के बारे में बताने जा रहा हूँ आज स्पेशली, उसके केयर कैसे करें। तो केमिकली जो लोग करना चाहता है उसके लिए पहले मैं बोलूँगा कि एनपीके ले लीजिए। ये है एनपीके 20-20-20, बहुत सारे कलर में आते हैं। तो एनपीके 20-20-20 आपको कैसे देना पड़ेगा, हर 15 दिन में, हर एक महीने में दो बार, मतलब 15 दिन अंतर अंतर, 15 दिन बाद बाद देंगे 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो क्या बोला कि हर महीने में दो बार, मतलब 15 दिन बाद बाद 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। पौधा की ग्रोथ के बाद उसमें आप फूल लेंगे, तो फूल और बहुत सारे कलियां लेने के लिए और फूल की जो कलर है वो एनहांस्ड पाने के लिए आपको देना पड़ेगा पोटाश। तो पोटाश के सोर्स केमिकली दो है, ये दो हम देंगे, ये म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये है म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सल्फेट ऑफ पोटाश। देख सकते हैं सफेद कलर के सल्फेट ऑफ पोटाश है और ये है म्यूरेट ऑफ पोटाश लाल कलर के। तो ये दोनों में आप कोई भी यूज कर सकते हैं और फूल पा सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो ये रहा आपकी पौधे की खाने के बारे में, क्या क्या खाने देंगे। तो केमिकली ये दो यूज करें तो अच्छा होगा। और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स है, एनपीके 10-26 ऐसे है, और क्या बोलते हैं उसको, एनपीके डीएपी है, और भी बहुत सारे, पर मैं बोल रहा हूँ केमिकली कम करिए। ये दोनों केमिकली करना चाहते हैं तो ये दोनों यूज करिए, इन तीनों में दोनों यूज करिए, इन तीनों में आपकी चॉइस के अनुसार दोनों यूज करें। एसओपी बहुत मार्केट में नहीं मिलता, इसीलिए बहुत लोग एमओपी यूज करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन से ही खरीदें पर एसओपी ही दें, क्योंकि एसओपी बहुत अच्छे होते हैं पौधे के लिए एमओपी से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि पौधे में फंगस की अटक आते हैं। तो फंगस की अटक आने के लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा, फंगस की अटक की रोकने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा सफ। नॉर्मल फंगीसाइड है, सब जगह मिलता है सब फंगीसाइड। ये हम 15 दिन में या एक महीने में एक बार यूज करेंगे, बरसात के टाइम पर 15 दिन में एक बार यूज आप कर सकते हैं। पर आपको याद रहे कि जब भी फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करें पानी में मिलाए, उसके साथ आप क्या बोलते हैं इसको, स्टिकर जरूर यूज करिए। तो इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक कैसे केयर करा जा सकता है। ऑर्गेनिक में आपके पास पहले ही आ जाता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा होता है, ये मिट्टी का पीएच
को मेंटेन करने में बहुत बड़ा भूमिका लेते हैं। इसके साथ आप यूज कर सकते हैं सरसों की खली। मेरे पास बादाम की खली है, सरसों की खली घर में है पर वो थोड़ा कम है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। ये बादाम की खली है, बहुत अच्छे ग्रोथ दिखाएंगे इसमें। बादाम की खली सरसों की खली से बहुत अच्छा है और ये यूज कर सकते हैं। और आप यूज कर सकते हैं बोन मील, ये यूज कर सकते हैं हड्डियों का चूरा, और यूज कर सकते हैं नीम की खली। और इन चार चीजों को मिक्स करके आप मिक्स फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। पर कब यूज करेंगे मिक्स फर्टिलाइजर जो तैयार करेंगे वो आप हर 15 दिन एक महीने में दो बार। आपको जो आपका जो पौधा है ऑर्गेनिकली करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा खाना देने की ज़रूरत है क्योंकि फूल ज़्यादा आएंगे, बड़े बड़े आएंगे और उसको ज़्यादा खाना भी चाहिए। तो कैसे ज़्यादा खाना चाहिए? आपको हफ्ते में चार बार खाना देना होगा। आप हफ्ते में 15 दिन बाद दे दीजिए बादाम की खली। और जो बादाम की खली देने के बाद आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ केमिकल भी यूज़ करता हूँ और ऑर्गेनिक भी यूज़ करता हूँ। मैं एनपीके देता हूँ 15 दिन बाद और बादाम की खली देता हूँ 15 दिन बाद और कभी कभी मैं एक महीने बाद दे देता हूँ म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश के अंदर से एक मैं चूज़ करता हूँ। मैं स्पेशली एसओपी देता हूँ सल्फेट ऑफ पोटाश एनपीके 0050 क्योंकि वो पौधे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ये नॉर्मल सी केयर है और कुछ नहीं, ये बादाम की खली है। और ऑर्गेनिकली आप इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, ये है नीम ऑयल, ये नीम ऑयल यूज कर सकते हैं आप बाजार से खरीद लेंगे, बहुत इजी अवेलेबल चीज है नीम ऑयल। और मैं देता हूँ एक महीने में एक बार ये जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, कोई बात बड़ी बात नहीं है। तो ये रही नॉर्मल सी केयर। मैं इन सब चीजों को महीने में प्रयोग करता हूँ चार बार, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप जो भी चूज करें, ऑर्गेनिक चूज करें, इनऑर्गेनिक चूज करें या दोनों ही दे दे, पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक ज्यादा करें, इनऑर्गेनिक कम करें, यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद हो और कोई सजेशन देने हो, क्योंकि मैं नए यूट्यूबर हूँ, सजेशन देने हो तो ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में बने रहने के लिए। अच्छे रहिए, खुश रहिए, फिर मिलूंगा किसी और एक वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।